सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना, स्पीड न्यूज विच आप सब का स्वागत करती हूं। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का संघर्ष 98 दिन विच जारी है। इसे विचाले सिंघू सरा ते आसू किसान मोर्चे की बैठक होगी, जिस विच संघर्ष की अगली रणनीति ते मंथन किया जाएगा। बैठक की चोणों वाले पांच सूबे में किसान महापंचायत का प्रोग्राम तय किया जा सकता है। केएमपी हाईवे बंद करन समेत अहम मुद्दों से फैसला लिया जा सकता है। पंजाब के 32 किसान जथेबंदियां आज मंथन करनगियां। अज पंजाब विधानसभा में बजट इजलास का दूसरा दिन है। बीते कल तो पंजाब सरकार का बजट इजलास शुरू होया सी, अज बजट इजलास का पहला दिन हंगामे की भेट चढ़िया। पंजाब विच बेशक एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारे है, पर राज्यपाल बीपी बदनौर ने विधानसभा सैशन विच पंजाब सरकार वालों चुके कदमों ते उपलब्धियां बारे गिणवाया। विधानसभा के बजट सैशन के पहले दिन राज्यपाल बीपी बदनौर ने अपने संबोधन विच सरकार दी प्राप्तियां ते कमां बारे पढ़िया। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला सूबा है जिसने मार्च 2020 विच भयानक कोरोना वायरस के फैलन नूं रोकण दे लई लॉकडाउन लगा के कर्फ्यू लगाया। भारत विच कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा पड़ाव सोमवार को शुरू हो गया है। पहले दिन पीएम मोदी ने टीका लगवाया। आज केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ते कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कोरोना का टीका लगाएंगे। वैक्सीन के पहले दिन ही देश के 4,27,072 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम नाल मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री दफ्तर वालों एक जारी बयान में सांझी की गई है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे, जिसे लेकर श्रोमणी अकाली दल ने जम के भड़ास कर दी है। अकाली दल ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जुमलेबाज प्रशांत किशोर को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करके पंजाबी के जख्मों से लून छिड़के। उन्हें कहा कि इस स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को फिर तो मूर्ख बनाने वास्ते मुड़ झूठ के पुलंदियों से निर्भर कर रही है। श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर ते साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सलाहकार महेश इंदर सिंह गरेवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सरदार गरेवाल कोरोना पीड़ित होने करके घर में जेरे लाश ने हूँ 10 दिन अजे किसी समागम में हाजिर नहीं होंगे। भारत सरकार वालों स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पद्धर से विज्ञान से संबंधित विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए वजीफा स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना तहत 11वीं 12वीं जमात और ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को फेलोशिप की पेशकश की गई है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामीनेशन परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ICSE की आधिकारिक वैबसाइट से 2वीं क्लासा की डिटेल डेटशीट और एग्जामीनेशन गाइडलाइन जारी कर दी गई। 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 8 ते 9 अप्रैल हो गए, जबकि मुख्य थ्योरी प्रीख्यावान 5 मई तो शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सरहद से भारतीय फौज की सख्ती पिछों टैरर फंडिंग लिए अतवादी ने नवा राह लभ लिया। हूँ रुपया की खेप नेपाल तो बिहार के रस्ते जम्मू कश्मीर भेजी जा रही है। इस धंधे में हिमाचल के नौजवान को घट समय में धन्ना सेठ बनाने का लालच दे के कोरियर बनाया जा रहा है। चीन अपनी हरकतों तो बाज नहीं आ रहा है। विश्व भर में कोरोना वायरस फैलाने के दोष का सामना कर रहा चीन हूँ भारतीय वैक्सीन से नजर बनाए हुए है। खबर मुताबिक चीनी हैकर्स ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। तमिलनाडु में अन्ना DMK की अगुवाई वाले गठजोड़ की सहयोगी पार्टी भाजपा हूँ सीटा लैंड अड्डी चोटे का जोर लगा रही है। भाजपा के सत्ताधारी अन्ना DMK को 60 सीटा की मांग करते हुए उन्होंने चोन हल्कों की सूची सौंपी है, जिते उसने बीते समय दौरान हुई चोणों में अहम वोटा हासिल की सन। अन्ना DMK वालों भाजपा 21 सीटा दिते जाने की संभावना है। वाहनों में इस्तेमाल होने वाली CNG और घर की रसोई गैस तक पहुंचने वाली गैस PNG की कीमतों में एक बार फिर तो वादा कर दिया गया है। CNG 70 पैसे महंगी हो गई है, जो कि PNG की कीमत में 91 पैसे का वादा दर्ज किया गया है। वधी हुई कीमत आज सवेरे 6 बजे तो लागू हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने मार्च तो मई तक दिया गर्मियों की भविष्यवाणी करते कहा है कि उत्तर उत्तर पूर्व पूर्वी पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तापमान आम नालों ज्यादा रहने की उम्मीद है। हालांकि दक्षण और नाल लगते केंद्र भारत में दिन का तापमान आम नालों घट रहने की भविष्यवाणी की गई है। फ्रांस के साबका राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और उनके दो सहयोगियों को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा हुई है। सरकोजी के जज को रिश्वत देने का दोष है। हालांकि 3 साल की सजा में 2 साल की सजा मुअत्तल रहेगी, अजे में उन्होंने 1 साल ही जेल में रहना होगा। इस आंसर तो आ गया, धन्यवाद।